गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज हम अपना इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। हमारा टॉपिक है अब हमारा एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का। हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कितने टाइप की होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। देखो एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू अर्न हिज और हर लिविंग्स। यानी एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो इंसान पैसे कमाता है अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, ठीक है। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू अर्न हिज और हर लिविंग। यानी एक इनएबिलिटी होती है, यानी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बंदा अपनी लिविंग को कमा नहीं पाता है, यानी अपने लिए पैसे नहीं कमा पाता है, अपनी फैमिली के लिए पैसे नहीं कमा पाता है, वो होती है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब देखो हमारी इकोनॉमी में एक वर्ड आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट प्रिफर्स टू अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क आर गेटिंग वर्क। यानी एक ऐसी सिचुएशन होती है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हर वो एक इंसान जो काम करना चाहता है, ठीक है, और उसे काम मिल रहा है, वो एम्प्लॉयड है, इसे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि वो इंसान जो काम करना ही नहीं चाहता है, ठीक है, और उसे काम करने के लायक भी नहीं है, ठीक है। तो अगर वो इंसान एम्प्लॉयड नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं होता। हमें बस इससे मतलब होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो हर एक इंसान जो इंसान काम करना चाहता है और जो इंसान काम करने के लायक है वो सब एम्प्लॉयड है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि पूरी 100% एम्प्लॉयड है, यानी जितने भी लोग हैं हमारे इकोनॉमी में वो सबके सब एम्प्लॉयड है, ऐसा नहीं होता। बस उतने ही एम्प्लॉयड होते हैं जो हमारे काम करने लायक है और काम करना चाह रहे हैं, वो सब एम्प्लॉयड है, तो वो सिचुएशन होती है हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। अब देखो एज इवन अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी दो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यानी कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है इसके अंदर भी जहाँ पे जो लोग होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। वो दो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, देखो एक होती है हमारी फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक होती है हमारी स्ट्रक्चुरल अनएम्प्लॉयमेंट। फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है हमारी, इट मीन्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड वेन वर्कर लीव्स वन जॉब एंड ज्वाइन सम अदर जॉब। यानी एक ऐसे टाइम पीरियड में होता है जहाँ पे जो वर्कर होता है, जैसे मान लीजिए एक वर्कर है वो पहले ए फैक्ट्री में काम कर रहा था, ठीक है, अब उसने वहाँ पे जॉब छोड़ ली अपनी, ठीक है, अब वो दूसरी जगह जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है। तो जो बीच का जो टाइम होगा ना, जब उसने जॉब छोड़ी और फिर वो जॉब ढूंढ रहा है, वो जो बीच का टाइम होता है उसे हम कहते हैं फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये हमारी क्यों अराइज होती है, इट अराइजेज ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी उस इंसान ने जिसने जॉब छोड़ी उसे ये नहीं पता था कि अगली वो ये जॉब के बाद आगे कहाँ जॉब करेगा, इससे छोड़ेगा तो आगे कहाँ पे जाके जॉब करेगा, फिर भी उसने वो जॉब छोड़ दी, ठीक है। तो वो जो बीच की अनएम्प्लॉयमेंट होगी उसे हम कहते हैं फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आके हमारे पास स्ट्रक्चुरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चुरल अनएम्प्लॉयमेंट होगी हमारे पास, देखो इट अकर्स ड्यू टू स्ट्रक्चुरल चेंजिंग इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी में अगर किसी टाइप का चेंज होता है उसकी वजह से अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो उसे कहते हैं हम स्ट्रक्चुरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे व्हेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक कैपिटल लैंड एक्सेट्रा आर इन शॉर्टेज। जैसे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे पास इतने नहीं है, ठीक है, कि जितनी हमारी इकोनॉमी में जितने हमारे वहाँ पे लोग एम्प्लॉयड है उतनी हमारे पास काम नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से भी कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं स्ट्रक्चुरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये हमारी होती है स्ट्रक्चुरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद हमारी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बता दी कि इनएबिलिटी होती है किसी बंदे की काम ना कर पाने की, ठीक है। अब देखो ये भी हमारी दो टाइप की होती है, पहली होती है हमारी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और एक होती है हमारी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। जो हमारी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो होती है हमारी, देखो इट अकर्स व्हेन सम पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल। यानी कुछ लोग खुद से ही काम करना नहीं चाहते, और जो लोग ऐसे होते हैं जो खुद से ही काम करना नहीं चाहते और वो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, उस सिचुएशन को हम कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी मतलब खुद से अपनी मर्जी से, ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते एक आर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट आर द पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज वेक। यानी ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों का काम ही करने का मन ही नहीं होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एग्जिस्टिंग वेज वेक होती है, यानी जो सैलरी उन्हें गेवी है, जो वेज वेक उन्हें मिल रहा है उस वेक पर वो काम नहीं करना चाहते,
ठीक है, तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आगे हमारी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब होता है इट अकर्स वेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क इवन वेन दे आर विलिंग टू वर्क ऑन एग्जिस्टिंग वेज रेट। यानी जो लोग जैसे अगर किसी को 100 रुपये डेली का मिल रहा है, ठीक है, वो उस पर काम करना चाहते हैं, अगर 100 रुपये डेली का मिल जाए तो भी वो काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो उससे हम कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनवॉलंटरी का मतलब हमारे पास होता है कि मतलब खुद की मर्जी से ना, अपनी मर्जी के खिलाफ, ठीक है, और वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशन के हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट के, एम्प्लॉयमेंट की ये टाइप्स के, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये सारे टाइप्स समझ आए हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। समझ में आया क्या? 101%